हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सैटरडे है और सैटरडे मार्केट लगा हुआ है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ कुछ देखने के लिए। कुछ समझ आ जाएगा तो परचेज़ कर लेंगे, और जनरली मॉर्निंग वॉक भी हो ही जाती है इसके साथ साथ। तो अपडेट ये है दोस्तों कि एज़ यू नो क्रिसमस टाइम चल रहा है, तो क्रिसमस टाइम में जो है यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज होती है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि 24th ऑफ दिसंबर से यूनिवर्सिटीज क्लोज हो चुकी है और ये सिलसिला चलेगा 9th ऑफ जनवरी तक। तो इस बीच तक बहुत प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ सकती, शायद एनरोलमेंट से रिलेटेड, जिनके वीज़ाज लेट लगे हैं या उनको, तो आप यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करोगे तो वो आपको जो है हेल्प कर देगी, हेल्प आउट कर देगी इस चीज़ में कि हाँ इस टाइम तक हमारा ब्रेक है, तो आप 10th या 11th जनवरी से अब जो है आगे के टास्क कंप्लीट करा सकते हो। तो बस एक ये शॉर्ट अपडेट देनी थी, क्योंकि नहीं तो आप लोग मेल करते रहोगे और रिस्पॉन्सेस नहीं आएंगे, आप भर भर के मेल करोगे यूनिवर्सिटीज़ को, तो अभी मुश्किल हो जाएगी वो चीज़ें। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ 9 जनवरी तक है, कुछ यूनिवर्सिटीज 6 जनवरी को ओपन हो जाएगी, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवीक कि कब तक वो लोग ओपन करने वाले हैं। तो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब मॉर्निंग में उठने का मन ही नहीं करता है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो क्रिसमस के टाइम पर अक्सर जो है ठंड बढ़ जाती है, और सामने ही मुझे जो है सैटरडे मार्केट भी दिख रहा है, तो आओ थोड़ी सी और इसकी भी ग्लिम्सेस दिखा देता हूँ। हर बार ही आपको यही दिखाता रहता हूँ मैं। वो रहा आपको तंबू दिख रहे होंगे, वो तंबू से स्टार्ट हो रहा है ठंड से। एक्चुअली गाइज, वी आर प्लानिंग कि एक ट्रिप बनाई जाए माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स के ऊपर, तो उसके लिए मुझे ना एक तो शूज़ ख़रीदने हैं और साथ ही साथ जो है एक वुलन कैप भी ख़रीदनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि कहीं मिल जाए तो शूज़। नहीं यार गाइज, एक्चुअली मुझे सैटरडे मार्केट से तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ना शूज़ ना वुलन कैप, तो इट्स फाइन कुछ नहीं खरीदते हैं, क्योंकि एक ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट व्लॉग शायद उसी का होगा अगर मैं जाता हूँ तो स्नो के माउंटेन्स आसपास रहते हैं, तो यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स पूरा बस एक बुक करते हैं और उसमें ट्रिप बना के जाते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ दिस टाइम। लास्ट ईयर भी गया था, लास्ट ईयर के व्लॉग्स भी होंगे आप देख सकते हो, पर लास्ट ईयर पानी गिर गया था, इस साल आई होपफुली अच्छा हो। और गाइस, ये एप्लीकेशन आप जैसे ये एप्लीकेशंस भी ओपन हो गई एडमिशन की 2023 इंटेक के लिए, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक रिकमेंडेशन रहेगी मेरी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि देखो अभी जैसे स्कॉलरशिप डेडलाइन भी 31 दिसंबर है, तो उसके पहले पहले आपको यहाँ पर आना पड़ेगा किसी भी हालत में, अदरवाइज यू विल योर स्कॉलरशिप विल बी रिवोक्ड। तो उस केस में क्या होगा कि वीज़ा लेट लगने के काफ़ी नुकसान होते हैं, तो नेक्स्ट इंटेक में ध्यान रखिएगा कि आप टाइम पर वीज़ा अप्लाई करते तो टाइम पर आपका वीज़ा जो है आ जाए, नहीं तो उस केस में भी यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप जा सकती है। या थैंक यू सो मच गाइस, हमारे इंस्टाग्राम पर 50,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो आपने भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी डेली अपडेट्स रहती हैं चीज़ों को लेकर, अपडेट्स रिगार्डिंग वर्क वीज़ा, जॉब सीकिंग वीज़ा या स्टडी वीज़ा, तो वहाँ पर भी आप जो है फॉलो कर सकते हो ताकि आप लोगों को भी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। इटली में दोस्तों ऐसी प्लेसेस रहती जहाँ से आप पानी पी सकते हो एक्चुअली में, और ये जो प्लेस रहती है डॉग्स के पानी पीने के लिए रहती है, है ना। और देखो ये पार्किंग दिख रही है, मतलब कार्स इधर इधर तक पार्क है, और वो इसलिए क्योंकि सैटरडे मार्केट लगा हुआ वहाँ पर, तो लोग दूर दूर तक अपनी पार्किंग करते हैं एंड देन जाते हैं फिर सैटरडे मार्केट में बाय वॉक। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, शॉर्ट व्लॉग जस्ट अपडेट देने के लिए था, और अब घर जाएंगे, चाय बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपना वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर।